हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। और भाई अभी जो है मैं आया हुआ हूँ स्पेस देखने, जगह देखने अपने स्टूडियो के लिए। तो हम लोग जो है नया स्टूडियो प्लान कर रहे हैं अपने मेन रोड पर, मेन जो इधर का रोड है वहाँ पर, बुराड़ी वाला संगनगर वाला जो मेन रोड है वहाँ पर स्टूडियो प्लान कर रहे हैं। तो एक जगह थी वही देखने आए हुए थे हम। तो अभी जो है वेट कर रहा हूँ मैं, जो भाई है वो आ रहे हैं उनका वेट कर रहे हैं। जैसे वो आते हैं फिर स्पेस देखते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। A few moments later. और ये रही जगह, जगह जो है खास पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि एक तो है इसमें जो है सीलन है वॉल पे, और दूसरा यहाँ पे तीन तीन पिलर्स हैं। तो मतलब भाई डांस स्टूडियो में पिलर्स तो ये समझ लो एकदम किसी काम के ही नहीं है, पूरा स्पेस ख़राब कर देते हैं। स्पेस तो वैसे काफ़ी अच्छा है, जगह बहुत बढ़िया है, लेकिन यूज़फुल नहीं है। मेन दिक्कत ये है यूज़फुल नहीं है, बीच में पिलर्स हैं वो भी। लड्डू का जो है फेवरेट फ्रूट है केला, और उसको भाई बहुत ही पसंद है केला, तो वो मांगता रहता है केला खाना है केला खाना है, तो वही ले रहा था मैं। और ये ले लिए और अब चलते हैं घर को। मैं जो है वापस पहुंच चुका हूं घर। और भाई जो जगह देखी थी एकेडमी के लिए वो जगह पसंद नहीं आई, क्योंकि मतलब एक तो पिलर्स है बहुत, तीन तीन पिलर्स हैं और बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं, तो आधा जो एरिया है ना वो वैसे ही बेकार है पिलर्स के उधर। और उसके अलावा भी ना बेसमेंट था ना तो नीचे सीलन सी आ रही है, तो मतलब लॉन्ग रन में भाई सक्सेस नहीं हो पाएगा। कुछ भी वहाँ पे लगेगा पेंट होएगा सब बेकार हो जाएगा, मैट लगेगी सब बेकार हो जाएगी। सो इसीलिए वो जगह तो पसंद नहीं आई, बट ये है बोल दिया है दूसरी जगह के लिए, तो दूसरी जगह जैसी कोई और ऑप्शन मिलता है तो फिर बताएंगे वो, फिर उसके बाद जाके अपन देखेंगे। ऑलराइट, तो मतलब प्लान बन चुका है, तो अब भाई देखेंगे जहाँ जब मिल जाए तब। फिर मैं जा रहा हूँ खाना वाना खाने, और उसके बाद जो है भाई मैं सोने वाला हूँ आज दिन में, पूरे दिन सोने वाला हूँ, क्योंकि जो है मेरे को शाम को मतलब रात को निकलना है इलाहाबाद के लिए, तो दिन में रेस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि पूरी रात ड्राइव करना पड़ेगा। तो आज पूरे दिन में सोने वाला हूँ, इसलिए अकेडमी भी नहीं जाऊँगा। ऑलराइट, तो भाई बस चलते हैं, खाना वाना खा के मैं सीधा सो जाऊंगा, आपसे मिलूंगा सीधा शाम को उठने के बाद। 3 hours later. क्या है बाबू ये? पेप्सी। तो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो तुम, दोबारा पियो। ये देखो भाई पेप्सी पी के इसका रिएक्शन देखो, ये पेप्सी पी रहा है और रिएक्शन देखो। ऑलराइट, तो भाई अभी जो है मैं आ चुका हूँ नीचे, और भाई मैं जा रहा हूँ बिरयानी बनाने। तो आज जो है चिकन बिरयानी बनाने जा रहा हूँ, वो भी क्या मुरादाबाद वाली, आप मुरादाबादी कह सकते हो या फिर बिना मसाले वाली कह सकते हो। सो सारी चीज़ें रेडी हैं और मैं एक एक करके बताता हूँ आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो भाई सबसे आसान तरीका बताऊँगा, इतना आसान तरीका कि आप 2 मिनट के अंदर मतलब घर पर बना लोगे। ऑलराइट, मतलब 2 मिनट से मेरा मतलब है बहुत इजी है, ये मत सोचना कि 2 मिनट में बिरयानी बन जाएगी। तो अभी है अपने पास चिकन है, इसको धो लिया है, हमारे पास 1.5 किलो से ज़्यादा चिकन है। और उसके साथ में है ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें थोड़ी काली मिर्च और सौंफ डाल रखा है। ये आ गई अपने पास हरी मिर्च, और ये आ गए मसाले में क्या क्या है, ये है दालचीनी, काली मिर्च, ये बड़ी वाली इलायची, छोटी वाली इलायची, लौंग, और साथ में ढेर सारी जीरा, और लास्ट में ये अपने पास दही, 250 ग्राम दही यूज करने वाला हूँ, ये मदर डेयरी की 250 ग्राम दही है। और इसके अलावा जो है नमक चाहिए, तो नमक भाई अपना टेस्ट के अनुसार देख लेना आप कितना खाते हो। चावल जो है ना, तो चावल है अपने पास ये बासमती राइस है लॉन्ग ग्रेन में, और चावल को जो है आपको कम से कम 20 मिनट के आसपास सोख होने के लिए रख देना है, या फिर आप बनाना स्टार्ट करो तब भी इसको सोख होने के लिए रख सकते हो, इससे क्या है बहुत जल्दी बिरयानी बनके रेडी हो जाएगी। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। सो फिलहाल जो है ये मिर्च है ना, इसको मिर्च को क्रश कर लेना है ऐसे, वैसे ये मिर्च जो है
बीच में से आधी काट रखी है, बट इसके अलावा भी इसको छोटे से ग्लास से क्रश कर लेना है इसको। अभी आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ये सारी चीजें ठीक है एक एक करके चिकन में डाल दो। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। एक एक करके आपको सारी चीजें इसमें डाल देनी है ठीक है। पेस्ट जो है आपको 5 से 6 चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। तो भाई मैं तो अपने अंदाजे से ही ले ले रहा हूँ, आप 5-6 चम्मच ले लेना। ये आ गई अपनी मिर्ची और ये आ गई भाई दही, पूरी 250 ग्राम दही। और ये आ गया नमक, और नमक जो है आपको अपने स्वाद अनुसार डालना है, तो जितना भी आप खाते हो कम ज़्यादा वो अपना देख लेना। अभी जो ये वाला अपना पार्ट है बिल्कुल रेडी हो चुका है और चावल सोख हो रहे हैं। तो अभी क्या करना है, आप जिस बर्तन में आपको बनाना है वो बर्तन चढ़ा लो गैस पे, और जब गर्म हो जाए तो उसमें तेल डालना है, और तेल थोड़ा मतलब ज़्यादा ही रखना क्योंकि भाई तेल वाली ही चीज़ है। और मैं जो है यूज़ कर रहा हूँ फॉर्चून का सोया हेल्थ रिफाइंड ऑयल। ओ भाई गर्मी जो है फुल हो रही है, तो जब तक तेल गर्म हो रहा है पतीले में मैं थोड़ा ठंडा होकर आता हूँ इसी में से। A few moments later, तेल जो है गर्म हो चुका है और अभी कुछ नहीं करना, जो हमारा मीट वाला जो पार्ट रेडी हो गया था उसको सिर्फ इसमें डाल देना है। अभी जो है इसको कम से कम 2-3 मिनट कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। तो अभी जो है मेरे हाथ में फ़ोन है तो मुझे चलाने में दिक्कत हो रही है, तो इसको पहले मैं यहीं पे बंद करता हूँ और चलाता हूँ इसको, फिर उसके बाद 2-3 मिनट बाद आपसे मिलता हूँ। 2-3 मिनट इसको कंटिन्यू चला दिया है और उसके बाद जो है इसको आपको ढक के कम से कम 8-10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस 8-10 मिनट में क्या होगा, जो चिकन है ना वो काफ़ी हद तक हमारा पक जाएगा। जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर उसके बाद बताता हूँ आगे क्या करना है। A few minutes later, अभी जो है अपने 8-10 मिनट हो गए पूरे और मीट जो है ना ऑलमोस्ट अपना जो है पक चुका है और इसमें उबाल भी आ चुका है। तो ध्यान रखना जब आपका ये उबाल आ जाए तो इसके अंदर जो है अब डालना है पानी। 1.5 किलो चिकन है और 1.5 किलो चावल है और इसके हिसाब से जो है अपना स्टील वाला जो ग्लास आता है उससे मैं 6 ग्लास पानी डाल रहा हूँ, और अगर ये सोक्ड नहीं होते पहले से भिगोए नहीं होते तो फिर 8 ग्लास डालता है। तो आप जितना भी बना रहे हो तो इसके हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगा लेना। पानी डालने के बाद जो है इसको फिर से ढक के 3-4 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि इसमें उबाल आ जाए, और उबाल आने के बाद फिर इसमें चावल डालेंगे हम। जो पानी का उबाल आ चुका है अब इसमें चावल डालने हैं। चावल डालने के बाद जो है इसको हल्का मिला लेना है, चावल चारों तरफ पहुंच जाए। अभी इसको क्या करना है, ढक देना है और तकरीबन 10 मिनट के आसपास ये जो है रेडी हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर दम लगाएंगे इसमें। तो अभी फ़िलहाल जो है इसको ढक देते हैं। और 10 मिनट जो है ख़त्म हो चुके हैं और भाई बिरयानी जो है बन के रेडी है, बस इसमें दम लगाना है। तो दम लगाने के लिए क्या करना है, इसको ढक दो आप गैस को जो है लो फ्लेम करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, 10 मिनट के लिए दम लगाना है, तब जो है बिरयानी बहुत ही अच्छे टेस्ट देगी और अच्छी तरीके से जो कुछ चावल कच्चे भी होंगे ना वो भी अच्छे तरीके से एकदम पक जाएंगे। तो अभी जो है दम लगाने के लिए छोड़ दिया है और भाई मतलब पूरी बिरयानी जो है मैंने छोटे गैस पे बनाई है क्योंकि बड़े जो हमारा गैस है उस पर नॉनवेज नहीं बनता है, तो छोटे गैस पे हम लोग बनाते हैं। और भाई सारे हमारे नॉनवेज के बर्तन वगैरह सब कुछ अलग हैं, अलग छाट रखे हैं घर में क्योंकि घर में लड्डू गोपाल जी हैं। तो अभी जो है बिरयानी बन चुकी है, बस 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है, टेस्ट में खा के बताता हूँ। और हाँ एक चीज़ आपको बताना भूल गया था मैं, इससे पहले जब हमने चावल डाले थे
पानी जब डबक रहा खोल रहा था, उसमें जब हमने चावल डाले थे तो चावल डालने के ना बाद मैंने आपको 10 मिनट बोला था कि 10 मिनट में ये पक जाएंगे, तो उस 10 मिनट में से 5 मिनट के बाद ना एक बार चावल को और चला देना ताकि जो चावल ऊपर के नीचे चले जाए, नीचे के चावल जो है ऊपर चले जाए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताना भूल गया था बट मैंने कर दी थी। सो वेट करते हैं 10 मिनट का। और बिरयानी जो है भाई बनके एकदम रेडी है सर्व करने को, और दिखाता हूँ मैं आपको। और ये रही हमारी बिरयानी, और भाई बिल्कुल जैसी दुकान पे मिलती है ना बिल्कुल बनके रेडी है। और ये दम लगाने से ना चावल जो है बहुत ही ज़्यादा, ये चावल खिल चुके हैं एकदम। और भाई पीस वगैरह भी जो है एकदम पक्के, और टेस्ट करके देखते हैं इसको, ठीक है। और ये आ गई बिरयानी अपनी थाली में और खाने को एकदम रेडी, और बस देखो भाई कितना सही लग रहा है। और ये पीसेस हैं जो कि एकदम अच्छी तरीके से पक चुके हैं, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, ऐसे पीसेस हो रखे हैं। बहुत ही अच्छी सी इसमें से अरोमा आ रही है, इलायची वगैरह की, लौंग की, दालचीनी वगैरह। और ये चावल हैं पकने के बाद, देखो कितने लंबे लंबे हो गए हैं, और अब तो बस मुँह में पानी आ रहा है कि कब मैं इसको खाऊँ। तो सबसे पहले जो है बाइट लेते हैं और उसके बाद जो है मैं टेस्ट बताता हूँ आपको। बिरयानी के नाम से लड्डू भी देखो आ गया है खाने को, और इसको भी बिरयानी बहुत पसंद है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। भूख लगी है, अभी खिला रहा हूँ। और राइट, तो पहली बाइट ले कर देखते हैं एक बार। भाई लिटरली मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अच्छी बिरयानी मैंने बना ली, बिल्कुल दुकान से जो लेके आते हैं ना डिट्टो, 19-20 भी नहीं, बिल्कुल 20 तो 20। और दम लगाने का फायदा ये हुआ ना चावल एकदम अलग अलग हो गए, नमक वगैरह सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है। और ये लड्डू तड़प रहा है खाने को, पहले मैं इसको खिलाऊं। ये लो बाबू। तो खाना वाना जो है अपना हो चुका है, और भाई बहुत ही ज़्यादा खा लिया आज मैंने पेट भर के। और बिरयानी बनाने के चक्कर में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं इलाहाबाद जाने वाला था आज, बट नहीं जा पाया। एंड मौके पे जो है नितिन जो मेरे साथ जाता है उसने मना कर दिया कि इसको कुछ काम था, तो हो सके तो हम लोग कल निकलेंगे। और भाई मतलब बिरयानी अगर आपने बनाई हो तो ज़रूर बताना कमेंट्स में कैसी आपने बनाई और कैसी लगी। और बहुत ही इजी मेथड बताया मैंने आपको, बहुत ही इजी, इससे इजी शायद पता नहीं होगा भी या नहीं होगा यूट्यूब पे, बट बहुत इजी। आप इसको फॉलो करके ना भाई एक नंबर बिरयानी बना सकते हो, गारंटी मेरी है। लेकिन फॉलो करना, और नमक और पानी की जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी नहीं। ऑलराइट, सो गाइस आज का जो व्लॉग है उसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ इसको एडिट करके सोने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल पे, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय।